हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंपली निटिंग चैनल पे। आज हम ये डिज़ाइन पैटर्न बनाना सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है और आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, जेंट्स लेडीज़ बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बन के अच्छा लगने वाला है। ये जो सैम्पल है, ये मैंने 11x11 के मल्टीपल में 33 फंदे लेके प्लस उसमें 4 फंदे जोड़ के बनाया है। तो आपको ये पैटर्न बनाने के लिए 11 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और 4 फंदे जो है वो आपको एडजस्टमेंट के लिए, डिज़ाइन पैटर्न को इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा लेने होंगे, जिसमें आपके एजेस भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 12 रोज का रिपीट पैटर्न है। कैसे बनेगा मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो डिज़ाइन को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, आपको डिज़ाइन अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सैम्पल के लिए 11 के मल्टीपल में 22 फंदे लेके और इसमें 4 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने 26 फंदे ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने दो बेस रो बना ली है, उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट की है बेस रो। अब देखिए डिज़ाइन को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट रो है राइट साइड से डिज़ाइन पड़ेगा और बैक साइड की जो रो है वो उल्टी उल्टी बनानी होंगी। तो देखिए, पहला फंदा हम डिज़ाइन का उतार लेंगे और इसके बाद आप धागा आगे कीजिए और दो फंदे उल्टे बना लीजिए। एक, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद आप धागा पीछे कीजिए और 4 फंदों को सीधा बना दीजिए। एक, दो, तीन और ये 4। देखिए, 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आप आगे कीजिए तो यहाँ पे एक जाली आएंगी और अब हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है आगे से बुनते हुए, सॉरी बैक लूप से बुनते हुए। तो हमने इस फंदे को पलट के सीधा किया। देखिए, बैक लूप से दोनों फंदों में हमने सिलाई डाली है और इस तरह से हमें 2 का एक करना है। ठीक है, तो जाली डाली हमने, 2 का एक किया, तो हमारा ना फंदा कोई बड़ा ना फंदा कोई घटा। इसके बाद हमें 3 फंदे जो है वो आगे सीधे बनाने हैं। 1, 2 और ये 3। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 11 फंदों का रिपीट पैटर्न बन गया है। हमने पहले 2 फंदे उल्टे बनाए, उसके बाद 4 फंदे सीधे, जाली डाली, जाली डालते हुए हमने 2 फंदे का एक फंदा किया बैक लूप से, आगे हमने 3 फंदे सीधे बुने हैं। अब इसी पैटर्न को हम जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे होंगे उसमें रिपीट करने हैं आपको। तो देखिए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए और 4 फंदों को सीधा बना लीजिए। 4 फंदे ये सीधे बन गए। इसके बाद धागा आगे करेंगे, बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। अब 3 फंदे जो है आपके सीधे आएंगे, 3। धागा आगे कीजिए। पूरी डिज़ाइन को ऐसे ही कंप्लीट करना है आपको। लास्ट में आपके पास 2 फंदे बचेंगे जो आपको उल्टे बनाने हैं और एस स्टिच को आप सीधा बना लीजिए। अब रो 2 है और राइट साइड है। रो 2 आपको उल्टी बना के कंप्लीट करनी है। इस डिज़ाइन की सारी रो आपको पर्ल वाइज बनानी है। तो आगे हम जो रॉन्ग साइड वाली रोज है वो नहीं दिखाएंगे, आप जो राइट साइड वाली रोज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सेकेंड रो रॉन्ग साइड हमने उल्टे फंदों के साथ देखिए कंप्लीट कर ली है। आ जाइए थर्ड रो और राइट साइड पे। थर्ड रो राइट साइड से कैसे बुनी जाएंगी, देखिए एस स्टिच को आपको स्लिप करना है, बुनना है, वो आपकी मर्ज़ी है। 2 फंदे जो है हमारे वो उल्टे बनेंगे। धागा पीछे करें, पहले हमने 4 फंदे सीधे बनाए थे, इस बार हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का एक फंदा करना है। 2 फंदे का एक करने के बाद धागा आगे लेके आइए और अब देखिए ये जो जाली वाला फंदा है
इसे आप सीधा बनाएंगे। फिर से धागा आगे लाइए और यहाँ पे बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा, आगे दो फंदे आपके सीधे आएंगे। धागा आगे कीजिए। अब इसी पैटर्न को, 11 फंदों का जो हमने पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को आगे आपके जितने भी फंदे होंगे हम रिपीट करेंगे। तो धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, धागा पीछे दो फंदे सीधे, अब दो फंदे का एक फंदा, धागा आगे करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से हम दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे। धागा आगे कर दीजिए और दो फंदे आप उल्टे बुन दीजिए, धागा पीछे और स्टिच सीधा। फोर्थ रो हमने बना ली है, देखिए फिफ्थ रो पे हैं हम। फिफ्थ रो को कैसे बनाएंगे, स्टिच के बाद दो फंदे आप उल्टे बनाएंगे। अब यहाँ पे आप एक फंदे को सीधा बनाइए, एक फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदे का एक फंदा फ्रंट लूप से कीजिए। धागा आगे लाइए और यहाँ पे हमने एक जाली पे आगे और पीछे दो फंदे जाली डाल के बढ़ाए थे, अब ये तीनों फंदों को आप सीधा बनाएंगे। तो देखिए एक, दो और तीन, इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब धागा पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे दो फंदे का एक फंदा बैक लूप से बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद दो फंदे का एक फंदा और एक फंदा सीधा, अब धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा आप सीधा बनाएंगे और दो फंदे का यहाँ पे दो का एक करेंगे। अब धागा आगे लाएंगे और बीच के तीन फंदे आपको सीधे बनाने हैं। फिर से धागा आगे लाएंगे और यहाँ पे फंदा पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा, एक फंदा सीधा। लास्ट के आपको दो फंदे उल्टे बनाने हैं और स्टिच को सीधा ही बनाना है। तो इस तरह से आपकी फिफ्थ रो बनेगी। सेवेंथ रो राइट साइड में है हम। सेवेंथ रो में आपको स्टिच उतारने के बाद दो फंदों को उल्टा बनाना है। अब यहाँ पे हमारे लास्ट के दो फंदे बचे हैं सीधे, इनको हमें दो का एक करना है। दो का एक यहाँ पे करने के बाद फंदा आगे लाइए और एक, दो, तीन, चार और पाँच, इन पाँच फंदों को हमें सीधा बनाना है। फिर से धागा आगे लाएंगे, यहाँ पे फंदे को पलट के सीधा करेंगे और दो का एक करेंगे। अब इसी पैटर्न को आगे फिर से रिपीट करेंगे। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे का एक फंदा फ्रंट लूप से। धागा आगे लाएंगे और बीच के पांच फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन पांच फंदों को सीधा बुनने के बाद फिर से धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को पलट के बैक लूप से दो का एक कर देंगे। आगे हमारे दो फंदे उल्टे और स्टिच सीधा। इस तरह से आपको सेवेंथ रो को कंप्लीट करना है। अब हम नाइन्थ रो पे आ गए हैं। नाइन्थ रो राइट साइड आपको इस तरह से बनानी है। देखिए एक फंदा उतारिए, धागा आगे कीजिए, दो फंदे आप उल्टे बना दीजिए। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद
अब बीच के फंदे आपके पूरे सीधे आएंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और ये नौ। इसके बाद फिर से धागा आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे। तो इसी तरह से आपको नाइन्थ रो को कंप्लीट करना है। दो फंदे उल्टे और बीच के जो नौ फंदे आएंगे उनको आपको सारे फंदों को सीधा बनाना है और इसी तरह से करते हुए आपको आपकी नाइन्थ रो कंप्लीट करनी है। देखिए, एलेवेंथ रो और राइट साइड है। अब एलेवेंथ रो कैसे बनेगी आपको ध्यान से देखना होगा। तो देखिए, एलेवेंथ रो में हमें क्या करना है, पहले हम ए स्टिच को उतार लेंगे। अब फंदा आगे करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे कीजिए और यहाँ पे एक, दो, तीन और चार, ये चार फंदों को आपको सीधा बनाना है। अब देखिए, हमें यहाँ पे फ्लावर बनाना है। तो हम फ्लावर कैसे बनाएंगे ये आपको ध्यान से देखना है। मैंने क्या किया है, देखिए, दो फंदे उल्टे बनाए, चार फंदे सीधे बनाए। मैं एक फंदे को, अब बीच वाले फंदे को स्लिप कर रही हूँ। बीच वाले फंदे को स्लिप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे चार और ये तीन, मतलब दोनों साइड से तीन तीन जालियाँ और बीच वाली एक जाली, ऐसे सात जालियाँ दिख रही है। तो इन सातों जालियों में से एक एक लंबा सा फंदा बना के लेना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा उंगली रख देना तो ये जो फंदा है ये आपका सिक्योर हो जाएगा। इसको सलाई को ऐसे डालिए, धागा घुमाइए सलाई पे और एक सीधा फंदा यहाँ से लंबा सा निकाल लीजिए। इसको इस सलाई पे चढ़ाएंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा टाइट, ना ज़्यादा टाइट रखे ना ज़्यादा ढीला रखे, और इसको आप सीधा ही बुन ले। देखिए, हमने इसको सीधा बुन लिया। फिर से हमें दूसरे जो छेद है उसमें से दूसरा फंदा निकालना है। अब इसमें से भी आप सीधा फंदा बना लीजिए। अब देखिए, तीसरी जाली में से भी हमने सीधा फंदा बनाना है। तो इस तरह से आप फंदा निकालिए, सलाई पे चढ़ाइए और सीधा फंदा बुन लीजिए। तो आपको इसी तरह से हर जाली में से एक एक फंदा, लंबा सा फंदा निकालना है और आपको उसे सीधा ही बुनना है। देखिए, पांचवी जाली में से भी हमने इसी तरह से सीधा फंदा बना लिया है। ऐसे ही हर जाली में से आप फंदा निकालते जाइए और उसे सीधा ही बुनते जाइए। अब लास्ट की जाली में से भी हम एक फंदा निकाल लेंगे और बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, सलाइयों को पलट देंगे। हमने ऐसे ही सात फंदे जो बनाए हैं, अब सलाइयाँ पलट के इन फंदों को हम देखिए, पूरे सात जो फंदे हमने बनाए हैं और जो हमने आठवां फंदा स्लिप किया है सीधे साइड से बुनते हुए, जिस फंदे को हमने स्लिप किया था, उन सारे फंदों को हम सलाई पे चढ़ा लेंगे और इन्हें उल्टा बना के इनमें से एक फंदा उल्टा बुनते हुए बना लेंगे। तो ये आसानी से बन जाएगा, देखिए। और अब हम आठों फंदों को सलाई में से उतार लेंगे। देखिए, हमने आठ का एक बना लिया। फिर से हम राइट साइड में आएंगे। अब जो ये एक फंदा हमने बनाया है,
देखिए इसे थोड़ा खींच देंगे और अब इस एक फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है, ब्यूटीफुल सा एकदम फाइन फ्लावर तैयार हो गया है। आगे के चार फंदे अब आप सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4, और 2 फंदे उल्टे। फिर से धागा पीछे लेके जाइए। अब हमें फिर से क्या करना है, वही 4 फंदों को सीधा बुनना है। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक फंदे को हम ऐसे सिंपली स्लिप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स करेंगे और इस होल में से हम पहला फंदा निकाल लेंगे, ठीक है। देखें इस तरह से इसको हम बुन लेंगे। फिर से दूसरा फंदा निकाल लीजिए, इसे नीडल पे लीजिए और बुन दीजिए। अब तीसरे फंदे को भी इसी तरह से बुन दीजिए। आप क्रोशिया की नीडल से भी ये फंदे उठा सकते हैं, बहुत आसानी से उठ जाएंगे। इसी तरह से आपको फंदे उठाने हैं। ये हमें देखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन बनाने में बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए हमने लास्ट का फंदा भी उठा लिया है, इसे भी हम सीधा ही बुन देंगे। हमने 7 फंदे उठा लिए हैं, हमारा फ्लावर सा तैयार हो गया है। देखिए इसको फाइनल टच देंगे, पीछे से ले लेंगे 7 फंदों को प्लस स्लिप किया हुआ फंदा, ये कितने हो गए, 4, 5, 6, 7 और स्लिप किया हुआ फंदा 8। 8 फंदों को मैंने सलाई पे चढ़ा लिया है। अब 8 का हम लोग एक फंदा बना लेंगे। देखिए ये 8 का एक फंदा हमारा बन गया है। सलाइयों को पलटा दीजिए और फ्रंट साइड से इस 8 फंदे के एक फंदे को जो हमने बनाया है इसे हम सीधा बनाते हुए बुन देंगे। देखिए मैंने इसे सीधा बुन दिया है, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, आगे 4 फंदे सीधे ऐसे ही इस पैटर्न को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी सलाई बनानी है। लास्ट में आपको 2 फंदे उल्टे मिलेंगे, इन्हें आप उल्टा बना दीजिए और एस स्टिच को आप सीधा बना दीजिए। अब आ जाइए रॉन्ग साइड पे, रॉन्ग साइड को आपको इस बार भी पूरा उल्टा ही बना के पर्ल वाइज कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स इन्हीं 12 रोज को आपको रिपीट करते हुए जाना होगा, तो आपका ये सुंदर सा पैटर्न जो है वो चढ़ता जाएगा। अब देखिए इसी पैटर्न को आपको ऊपर से फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना होगा। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करने के लिए आपको एक फंदा उतार के 2 फंदे आप उल्टे बनाइए, 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे लाएंगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। आगे आपके 3 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। अब इसी पैटर्न को आपको रिपीट करते हुए जाना होगा, तो आपका ये जो पैटर्न है ये बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये डिज़ाइन जो है वो आपको कंप्लीट करना है।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेंगी और हम आगे और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेके आएंगे और हम फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे लेकर आएंगे जिसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।